आज 25 सितंबर, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, बहुत काल का अभ्यास। सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक अपने आप को एकदम हल्का छोड़ देंगे। शरीर और मन के अंदर जो भी संकल्प है उन्हें छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स महसूस करेंगे। शरीर से भिन्न मैं चैतन्य शक्ति हूँ, इस शरीर के मालिक हूँ, एक दिव्य प्रकाश हूँ, लाइट और माइट हूँ। महसूस करेंगे कि ज्ञान का सागर शिव बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है। बाबा से सर्व शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, विशेषता सत्यता की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। जितना जितना बाबा की शक्ति मेरे अंदर आ रही है, मेरी तीसरी आंख स्वच्छ और पवित्र बनते जा रही है। परखने की शक्ति मेरी श्रेष्ठ है। मैं महसूस कर रहा हूँ व्यर्थ और कुसंग में क्या नुकसान होता है। मुझे समझ में आ रहा है कि कुसंग के वजह से मेरा बहुत नुकसान हो सकता है। रावण की जजमेंट और राम की जजमेंट में फर्क मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि मैंने स्वयं के सत्य स्वरूप को जान लिया है, परमात्मा के सत्य स्वरूप को जान लिया है। मैं जो हूं जैसा हूं, बाबा का था बाबा का हूं और सदा बाबा का बना रहूंगा। बाबा मुझसे बहुत प्यार करता है, प्यार के सागर का प्यार मेरे अंदर समाते जा रहा है। बाबा ने मुझे संपूर्ण रूप से स्वीकार किया है और बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। मैं अटेंशन रख रहा हूँ कि जैसे ब्रह्मा बाप ने आज्ञाकारी वफादार और फरमानदार बनके शिव बाबा को प्रत्यक्ष किया, ऐसे मैं भी ब्रह्मा बाप समान आत्मा हूँ। मुझे नाम मान और शान नहीं चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान ने मुझे नाम मान शान दिया। अभी मुझे और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। हर परिस्थिति में बालक और मालिकपन का बैलेंस रखना मेरे लिए बहुत सहज है। मैं हमेशा हर आत्मा को सम्मान की नज़र से देखता हूँ, हर एक की विशेषता देखता हूँ कि बाबा का हर बच्चा विशेष है। मुझे दूसरों की केवल विशेषता और गुण ही दिखाई देते हैं और नेचुरली सभी के प्रति दिल से दुआएं निकलती है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बाप समान संपन्न और संपूर्ण हूँ, तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और बाप दादा मुझे दृष्टि और वरदान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे तुमने कल्प कल्प बाप की श्रीमत पर चलकर सत्य और असत्य का विशेष अंतर समझ लिया है। तुमने एक बाप को ही अपना संसार बनाया है। अनेक प्रकार के मेरेपन के झमेलों से तुम मुक्त हो। तुमने अपना सब कुछ बाप को दे दिया है, इसलिए आप रावण की जजमेंट से बचे हुए हो। आप बाप की याद में और प्यार में खोए हुए रहते हो, इसलिए अल्पकाल के नाम मान शान में नहीं जाते हो। आपने अपने चेहरे और चलन के द्वारा ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ कर्म करके दिखाया है।
हमेशा गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस आपने रखा है। परखने की शक्ति के वजह से आपने अपने आप को व्यर्थ और कुसंग से बचा कर रखा है, और हमेशा बालक और मालिकपन का बैलेंस रखने के वजह से आप हमेशा हल्के रहते हो, खुद भी उड़ते हो औरों को भी उड़ाते हो। मेरी सर्व शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी विजय निश्चित है। बाप दादा से दृष्टि लेते हुए और वरदान लेते हुए मैं आत्मा अत्यंत हर्षित हो रही हूँ, बाबा की बाहों में समा रही हूँ और बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।